गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईपी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स और MySQL एंड पांडास। मीन्स अगर आप पांडास में मीन्स पाइथन में अगर आप CSV फाइल फॉर्मेट हमारा एक्सेल में ओपन होता है, एक्सेल में जो फाइल होती है उसको अगर हम पाइथन में यूज करते हैं तो वो फॉर्मेट जो होगा फाइल का वो हमारा CSV फॉर्मेट होगा। और सेम बिल्कुल नोटपैड में भी हमारी CSV फॉर्मेट की फाइल को हम यहाँ पाइथन में डाटा फ्रेम में सेव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। और MySQL से भी हम डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं पाइथन में। इसी तरह से जो पाइथन में हम पाइथन पांडास में हम क्या करते हैं, जो डेटा फ्रेम्स हम बनाते हैं वो डेटा हम एज इट इज एक्सपोर्ट कर सकते हैं MySQL में और CSV फाइल्स में, एक्सेल में या फिर MySQL में हम एज इट इज उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है। सेम यही हम प्रोसेस हम किस में करेंगे, इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी जो पाइथन में पांडास में हमने एक डेटा स्ट्रक्चर देखा वो था पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज और डेटा फ्रेम्स। तो हमारा जो चैप्टर वन और चैप्टर टू टोटली बेस्ड थे हमारे डेटा फ्रेम्स से। और फर्स्ट चैप्टर में हमने सीरीज को डिस्कस किया था, फिर चैप्टर थ्री में हमने क्या डिस्कस किए थे, चार्ट्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम्स। तो इसीलिए मैंने आपको सैटरडे को रिवीजन वर्क दिया था कि फर्स्ट थ्री चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रीवियस चैप्टर से ही रिलेटेड है, उन्हीं से लिंक्ड है। तो अब देखिए ये जो डेटा फ्रेम है हमारा, ये 2D फॉर्मेट था हमारा डेटा को सेव करने का। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस 2D फॉर्मेट में जैसे हमें अगर डेटा फ्रेम से डेटा MySQL में सेंड करना है और MySQL की टेबल को हमें पाइथन पांडा में एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ हम फॉर्मेट यूज करेंगे ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, वो हमारा CSV फाइल फॉर्मेट होगा। अब CSV का मतलब क्या होता है, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब बताऊंगी मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या है। ये वैसे तो आपने डेटा फ्रेम में की है, डेटा फ्रेम जो आपने क्रिएट किया था वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही थी। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फॉर्मेट आपका एक्सेल में भी ओपन हो जाता है और नोटपैड में भी। नोटपैड में वो कॉमा से सेपरेट होता है और एक्सेल में वही चीज आपकी सेम कॉमा से सेपरेट होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ छोटा सा, ये देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। और वो एग्जाम्पल ये है, ये मैंने एक CSV फॉर्मेट की फाइल बनाई है, पहले से बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये एक्सेल में ओपन हो रही है। ये देखिए छोटी सी, जस्ट मैंने डेमो के लिए आपके लिए बनाई थी। 2 कॉलम्स मैंने लिए हैं, नेम और रोल नंबर, और मैंने इसमें 2 ही वैल्यूज डाली हैं, अरुण और अमन नेम डाले हैं और रोल नंबर 101 और 102 लिया है। तो ये छोटी सी फाइल है, देखिए यही फाइल मेरी एक्सेल में ओपन होती है। CSV फाइल का जो फॉर्मेट है एक्सेल में इस तरह से ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाता है। एक्चुअली मैंने इसको यहाँ नहीं बनाया था, जब CSV फॉर्मेट बनता है ना तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेल में ही ओपन होती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ इस तरह से आ रही है वैल्यूज। मैंने इसको जो बनाया था, मैंने इसको नोटपैड में क्रिएट किया था। तो देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ नोटपैड के साथ, ये नोटपैड। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ इस तरह से क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ, सॉरी मैक्सिमाइज करके दिखाई नहीं देगा, सॉरी ये देखिए ये नेम मैंने यहाँ लिया है, नेम और रोल नंबर 2 कॉलम मैंने, जितने भी आपको कॉलम्स लेने हैं ना CSV फॉर्मेट में जब आप नोटपैड में क्रिएट करते हैं तो उसको आप यहाँ कॉमा सेपरेट करते हुए डालते जाइए, फिर उनकी वैल्यूज जब आप लेते हैं तो हर एक रो में कॉमा से सेपरेट करते हुए उन कॉलम्स की वैल्यूज को डाल दीजिए। तो इस तरह से नोटपैड में फाइल बनती है ये CSV फाइल। और सेम जब आप इसको CSV एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं ना, .csv इसके साथ सेव करते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेल में ही ओपन होते थे। जो मैंने इसको CSV के साथ सेव किया तो ये देखिए ये इस तरह से आपको एक्सेल की फाइल नजर आ रही है। तो एक्सेल में ही ओपन होगी ये फाइल, आप ओपन विद नोटपैड करेंगे तो नोटपैड में ओपन होगी। तो
इस तरह से आप सीएसवी फॉर्मेट की फाइल्स को, माई सीक्वल की फाइल्स को क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम्स में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, नोटपैड की बनी हुई फाइल एक्सेल में अपने आप ही इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगी। तो ये था हमारा सीएसवी फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट को हम एज इट इज क्या कर सकते हैं, पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां हम अपना ये चैप्टर को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यस, ये आपको मैंने बता दिया है, ये टेबुलर डेटा है, हमारे एक्सेल में नजर आता है, और ये हमारा सीएसवी डेटा जो नोटपैड में आपको नजर आएगा, ये आपको मैंने बता दिया है अभी अभी। और ये देखिए, एज यू कैन सी दैट इन सीएसवी फॉर्मेट ईच रो ऑफ द टेबल इज स्टोर्ड इन वन रो। सीएसवी फॉर्मेट में क्या होता है, सेम टेबल ही होती है, रो जो है, ये देखिए टेबल में क्या होता है, वन रो होती है ना, हर जो एक रिकॉर्ड है वो सिंगल वन रो में आपका मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे ये यहाँ नोटपैड में भी आपको वन रो में मिलेगा, वन रिकॉर्ड, इस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो नंबर ऑफ रोज इन द टेबल क्या हो सकती हैं, जब आप इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक फॉर्मेट में है। तो द फील्ड वैल्यूज ऑफ अ रो आर स्टोर टूगेदर विद कॉमा आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू। देखिए, जब आप इसको नोटपैड में बनाते हैं इस फाइल को, तो क्या करते हैं, हर एक कॉलम वैल्यू के बाद आपको कॉमा पुट करना है, बट लास्ट में कॉमा पुट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ सेकंड पॉइंट का मतलब सिर्फ यही है। और जब आप इसको सीएसवी के साथ सेव करते हैं तो देखो, ये एक्सेल में इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगी। देन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएसवी फॉर्मेट। अब इसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है, अ सिंपल मीन्स बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कॉम्पैक्ट है, बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड यूबिक्यूटस मीन्स यूनिवर्सल फॉर्मेट है, काफी पॉपुलर है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर डेटा स्टोरेज, कॉमन फॉर्मेट है, अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मेट है डेटा को इंटरचेंज करने के लिए। इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज लाइक एमएस एक्सेल और कैल्क, कहीं पे भी आप इसको फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं सीएसवी फाइल को, ठीक है। एक्सेल में ओपन हो जाएगी, कैल्क में भी ओपन हो जाएगी। नियरली ऑल स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू सीएसवी फॉर्मेट। अब इस सीएसवी फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो द एक्रोनिम फॉर सीएसवी इज, आई टोल्ड यू अर्लियर कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके। नाउ लोडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी टू डेटा फ्रेम्स। अब डेटा फ्रेम से आप सीएसवी में कैसे डेटा को लोड करते हैं, इसके लिए हमें ना टू मेथड्स यूज करने होते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी, कल का जो हमारे लेक्चर होगा वो इसकी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होगा कि किस तरह से एक्चुअल में इसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास पांडास लाइब्रेरी में टू मेथड्स होते हैं, रीड सीएसवी और टू सीएसवी। रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन है, ये हमारा फाइल को रीड करने के लिए, ओपन करने के लिए, मतलब कोई सीएसवी फाइल अगर आपको पाइथन में ओपन करनी है तो आप इस वाले मेथड को यूज करेंगे। फिर है टू अंडरस्कोर सीएसवी, इसको अगर आप डेटा फ्रेम को कहीं और सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टू अंडरस्कोर सीएसवी मेथड को यूज करना है। तो ये हमारे टू मेथड्स हैं जिनको आप यूज सकते हैं। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी आपको बताया कि ये देखिए छोटा सा पॉइंट, जब आप अपने नोटपैड की फाइल को या एक्सेल की फाइल को डेटा फ्रेम में मींस पाइथन बांडा में यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसको उसका जो फॉर्मेट है वो सीएसवी फॉर्मेट बनाना है। जस्ट सीएसवी फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसको जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद जो फाइल नेम आप देंगे उसके बाद डॉट सीएसवी आपको पुट करना है, बस जो एक्सटेंशन होगी फाइल की वो सीएसवी डालनी है, दैट्स ऑल। और जब आप पांडा में वर्क करते टाइम आपको ये भूलना नहीं है कि आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं मैं एक डेटा फ्रेम में क्या कर रही हूँ, एक फाइल को ओपन कर रही हूँ, तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, डेटा फ्रेम का नेम आप असाइन करेंगे इक्वल टू, आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि पांडास लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर चुके हैं, तो पांडास डॉट जो भी है, ये इसका रीड फंक्शन था, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है पाथ, फाइल पाथ, कौन सा फाइल पाथ, जो आपने सीएसवी फाइल अभी सेव की है उस फाइल का नेम आपको यहाँ पूरा पाथ के साथ मेंशन करना है, ठीक है। तो इस फाइल का, इसमें जो हम एग्जांपल यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, इसका पाथ जो था c:data और इसका फाइल का नेम था sample.csv, तो ये इसका पाथ था। तो आप अपनी फाइल का पाथ लेंगे, उसको पहले
ध्यान से देखिए कि उसका पाथ क्या है, सर्च आउट कीजिए पाथ फाइल का और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो फाइल आपको पांडास में इस तरह से डेटा फ्रेम में नजर आएगी, ठीक है। ये फाइल आपको डेटा फ्रेम में नजर आएगी। यू कैन ओपन एनी सी एस वी फाइल इन पांडास लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को पांडास में, ये नोटपैड की फाइल है, ये एक्सेल में शो हो रही है, तो इसको आप किसी भी तरह से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जब आप इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि ये माई डाटा फाइल है, ये एक्सेल में ऐसे दिखाई दे रही है और नोटपैड में ऐसे दिखाई दे रही है, जब आप इसको ओपन करते हैं डेटा फ्रेम में, तो डेटा फ्रेम में आपको इस तरह से नजर आएगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो बस आज का जो टॉपिक है हमारा यही था कि हम सी एस वी फाइल्स को डिस्कस करना चाहते थे कि सी एस वी फॉर्मेट क्या होता है और इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कैसे करते हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ हमारा इसके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होगा कि फर्दर कौन कौन से हम इसमें फंक्शंस यूज कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, कॉलम वगैरह की हेडिंग के लिए, या माई सीक्वल से हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिए और देखिए कि कौन से फंक्शंस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उनको लर्न कीजिए। ओके, बाय।